जब आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में मैदान दिखने लगे और उन मैदानों के बीच में सड़कें और उन सड़कों पे दौड़ती गाड़ियां, तो ये नज़ारा अपने देश में आपको सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिल सकता है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति और पहाड़ अपने रूप रंग और आकार बदलती रहती है। हमारे देश में कुछ रोड ट्रिप्स करना यात्रियों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य कहा जाता है, और उन्हीं में से एक है मनाली से लेह या श्रीनगर से लेह की रोड ट्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े समय से जो है हम लोगों का प्लान था कि यार जीत और मेरे कि अपन जो है रोड ट्रिप में जो है उत्तराखंड से ले जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया था मिलके कि अपन जो है जब व्हीकल अपना अपग्रेड करेंगे 4x4 तो लेके जाएंगे, लेकिन इस साल हमने सोचा कि नहीं यार, अपग्रेड जब करेंगे तब करेंगे, अपनी ऑल्टो लेके जो है उत्तराखंड से अपन सीधा ले चलते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है और काफ़ी टाइम से हम लोगों का भी प्लान था कि यार साथ में एक ट्रिप चलते हैं, तो उसने कहा कि यार मैं भी तुम्हें जो है इस ट्रिप में ज्वाइन करूँगा, तो उसके पास अपनी i20 है, तो फिलहाल हम ऑल्टो से नहीं बल्कि ये सफ़र जो है अब उसकी कार से कर रहे हैं। आज जो है अभी जो ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये शानदार जगह है सोनमर्ग, और सोनमर्ग के बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस घाटी के बीचों बीच में हम अभी बैठे हुए हैं। ये सफ़र हमने आज से 2 दिन पहले शुरू किया था, तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है हम कोटद्वार से निकले थे, तो उस दिन जो है रात में हमने सीधे जो है गाड़ी पठानकोट टिकाई, पठानकोट से उसके बाद हमारा अगला प्लान था कि हम श्रीनगर के आसपास पहुंचेंगे, बट शाम के वक्त जो है आपको श्रीनगर क्रॉस नहीं करने दिया जाता बिकॉज अभी जो है अमरनाथ की यात्रा चल रही है, तो अभी जो है हम एक जगह रुके थे रामबन में, और आज सुबह जो है हम यहाँ सोनमर्ग में पहुँच गए थे, सुबह नहीं मतलब दिन के आसपास में। तो अब तक तो है हम जो है भगते भगाते यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से जो है हम मतलब प्रॉपर नज़ारों का मज़ा लेते हुए साइट सीइंग करते हुए यहाँ से लेह तक पहुँचेंगे। तो बहुत डिटेल में तो हमने प्लान नहीं किया है, लेकिन एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। कोटद्वार से हम निकले थे चंडीगढ़ होते हुए, पहले दिन जो है जलंधर के पास पठानकोट पड़ता है, यहाँ हमने पहले दिन स्टे किया था, उसके बाद श्रीनगर से थोड़ा पहले रामबन करके एक जगह है वहाँ हम रुके थे, उसके बाद आज हम जो है सोनमर्ग में हैं, कल द्रास कारगिल लामायुरु होते हुए जो है लेह पहुँचेंगे, कल नहीं मतलब 2-4 दिन लगेंगे। ये यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, सी टाटा, और इधर खच्चर वगैरह रा। उस स्टॉप में पहुंच के मास्क करके व्यू लेते हैं पूरा सोनमर्ग का। गुड मॉर्निंग सोनमर्ग से। तो ये जो है अपनी गाड़ी है जिससे ये रोड ट्रिप उत्तराखंड से लेह तक की हम तय कर रहे हैं, और जब भी आपका आना होगा दिल्ली या जिस भी साइड से आप आते हैं इंडिया में, अगर ये वाली साइड आप चुनते हैं तो सोनमर्ग सबसे पहली खूबसूरत साइट होगी जहां रुकने का आपको मज़ा आएगा। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारी वैली है, इनफैक्ट अभी भी मैं सेंटर में हूँ यहाँ से, इस साइड भी आपको पहाड़ दिखेंगे, ग्लेशियर्स दिखेंगे, इस साइड थाजीवास ग्लेशियर है जो बहुत पॉपुलर है, इनफैक्ट हम तो यहाँ से चल के मतलब काफ़ी आगे तक गए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा वीडियो में, और अगर आप नहीं चलने में सक्षम हैं तो खच्चर वाले रहते हैं आपके आसपास घूमते रहेंगे, खच्चर की मदद लेके भी आप जो है ट्रैक कर सकते हो। होटल्स इस वक्त आपको बहुत बजट में तो नहीं मिलेंगे, बट जहाँ हम रुके थे उनका कॉन्टैक्ट मैं दे दूँगा, आखिरी में आपको टेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे जैसे ग्रुप वगैरह हैं, और यहीं थोड़ा आगे जो है सोनमर्ग का मार्केट है, तो कैंपिंग रिलेटेड, ट्रैकिंग रिलेटेड, बाइकिंग रिलेटेड या थोड़ा बहुत शॉल वगैरह या जो भी है आपको शॉपिंग करनी है सब आपको जो है यहीं पे मिल जाएगी। फ़ास्ट फूड वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नॉर्थ इंडियन वगैरह, कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ वगैरह सब आपको यहाँ से मिल जाएगा।
एक और छोटी सी टिप मैं आपको देता हूँ, जिस तरीके से ये जर्नी हम भी जो है कश्मीर से होते हुए कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो ऑप्शन था वो मनाली से भी था, तो एक तो ये बरसातों का टाइम है तो इस वक्त जो है उस साइड लैंडस्लाइड होने का भी चांसेस हैं। नंबर टू जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साइड से जो एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है वो ग्रेजुअली होता है। जैसे मेरे ख्याल में ये जो सोनमर्ग है ये 9000 फीट के आसपास है, यहाँ से द्रास जो है वो 10000 फीट के आसपास है, फिर क्या बोलते हैं अपना लेह जो है वो 11500 फीट के आसपास है। तो इनफैक्ट अगर आप पहली बार लेह जा रहे हो या मन में संकोच है कि यार जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है MS वगैरह वो ना हो, और फैमिली के साथ हो खास करके, या व्हीकल पे अपने ट्रस्ट ना हो, 4x4 ना हो, तो आई वुड रिकमेंड, जितना भी मैंने रिसर्च की है या फेलो क्रिएटर्स या जितने भी देखा है मैंने जो ले गए हैं तो उनसे मैंने बता किया, तो इस साइड से जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आरामदायक है, इनफैक्ट रोड भी यहाँ से ज़्यादा अच्छी है। तो जर्नी शुरू करते हैं। सोनमर्ग को कश्मीर और लद्दाख घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो लद्दाख का प्रवेश द्वार, और लद्दाख से कश्मीर आ रहे हैं तो कश्मीर का प्रवेश द्वार। यहाँ तक आपको हरे पहाड़, कुछ ग्लेशियर और साथ में झरने भी दिख जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लद्दाख में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हरियाली पीछे छूट जाएगी। कहते हैं कि लद्दाख में सिर्फ 13 दिन ही बारिश पड़ती है, और किस्मत से हम उन्हीं 13 दिन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो लद्दाख में जो 1% हरियाली है वो हमें जरूर दिखेगी। ये हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास में, 11,649 फीट की हाइट पे है ये, तो मेरे ठीक इस साइड ये जो है कश्मीर वैली है और ये जो है यहाँ से लद्दाख लग जाता है। जोजिला पास से थोड़ा आगे मेरे ख्याल में कुछ 1 किलोमीटर पे यहाँ पे जोजिला वॉर मेमोरियल भी है, और इस जगह को शायद गुमरी बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहें तो गुमरी कैफ़े है, यहीं पे शिव मंदिर है, बगल में जो है ये प्यारी नदी बह रही है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और शिव मंदिर होके आते हैं। ये जो है हम लद्दाख की हवा में हैं, तो और जैसे कहते हैं कि हमारे देश में ये जो लैंडस्केप है ये और कहीं देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मेरे पीछे जो गांव दिख रहा है ये जो है द्रास से 15 किलोमीटर पहले है, तो इसका नाम भी पंद्रास करके है, और यहाँ पे थोड़ी खेती हुई हुई है, थोड़ी सरसों लगी हुई है, थोड़ी धान है, और बहुत प्यार से लहरा रही है। ये हमारी फूंक से कभी नहीं उड़ता ना कितनी जल्दी उड़ गया, तो बढ़िया से एक बार गांव देखते हैं। देखो मतलब क्या कमाल का लैंडस्केप है वहां पे, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लग रहा है कि इसका हिस्सा है ही नहीं, मतलब पथरीली सी रॉक्स हैं और समय के साथ साथ मतलब उनमें शेप आया हुआ है, वहीं पे पत्थर के घर बने हुए हैं और बाकी कुछ अलग अलग घर हैं। यहाँ पे मस्त हरा है, मतलब हरियाली है और खेती हो रखी है, उसके आगे की तरफ अगर देखोगे तो ग्लेशियर हैं, मतलब यहीं से बर्फ़ दिख रही है, ऊपर आसमान में बादल हैं जो देखने से भी मतलब असली नहीं लग रहे हैं, पेंटिंग की तरह लग रहा है। मेरे राइट वाली साइड में इधर मतलब ये हरे पहाड़ नहीं हैं, बेरंग से हैं, और इन सब के बीच में ये गाँव और ये रास्ता है, क्या कमाल है। द्रास के बाजार से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे चलकर आप पहुंचते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल वॉर मेमोरियल उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1998 से 1999 में पाकिस्तानी सेना ने LOC पार करके कारगिल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वो कारगिल से श्रीनगर और लेह जाने वाले नेशनल हाईवे पर भी हावी हो गए थे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और मुख्य चोटियां जैसे टाइगर हिल, टोलोलिंग, बत्रा टॉप इन पर युद्ध कर वापस अपने नियंत्रण में लिया। फिर ऑफिशियली 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना से हार कर यहां से वापस जाना पड़ा। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब हम अपने सभी वीर जवानों की शहादत को याद करते हैं और उन्हें
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में, जिसको द्रास वॉर मेमोरियल भी बोलते हैं, बिकॉज द्रास से ये मेरे ख्याल में कुछ 5-7 किलोमीटर आगे है। तो इसके इतिहास के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी, जैसे यहाँ पे एक म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम के एंड में उन सभी सैनिकों की, मतलब बहुत सारे सैनिकों की वो चिट्ठियाँ लगी हुई हैं जो वॉर के टाइम पे शायद उनके आखिरी जो लेटर्स थे जो उन्होंने घर पे लिखे थे, घर के लिए लिखे थे। तो वो बड़ा इमोशनल है। तो यूँ तो फ़ोटो खींचना वगैरह अलाउड नहीं है म्यूज़ियम की, लेकिन जब आप आइएगा तो उन लेटर्स को ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा उनका कैसा माइंडसेट था। आराम से भाई जान, ले के लिए ले सीधा, ठीक है। सोनमर्ग से आगे जो है हमने कारगिल में, कारगिल से थोड़ा पहले, द्रास से थोड़ा आगे वॉर मेमोरियल देखा। उसके बाद ऐसा कुछ सोचा था कि शायद कारगिल में रुकेंगे, बट वो काफ़ी कमर्शियल लग रहा था और वो वाइब नहीं आ रही थी कि हम जो है वहाँ स्टे करें। तो हम उससे भी मेरे ख्याल में कुछ 40-50 किलोमीटर आगे एक गाँव है मुलबेक। तो यहाँ पे दो बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री हैं। तो फिलहाल हम मुलबेक में ही हैं अभी, उस साइड में एक बार दिखाना जी। बिल्कुल यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और अभी तो शायद ओपन नहीं रहती, बट ये जो पूरा गांव है और बहुत अच्छा, मतलब ये जो रॉक का स्ट्रक्चर है ये लग रहा है, तो वहाँ से पूरा गांव देख सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ी सी ऑफ रोड करके मुलबेक के टॉप मोनेस्ट्री में पहुँचते हैं। तो नीचे से मुलबेक जो गांव था वहां से मेरे ख्याल में 5-7 किलोमीटर के ड्राइव करके अभी हम ऊपर पहुंच गए। यहां से ये क्या है या कैसा दिख रहा है, ऐसा हमारे कभी अनुभव में रहा ही नहीं, तो मतलब शब्दों में इसको नहीं बताया जा सकता। ये पूरी, मतलब ये पत्थर की चट्टान है जिसके ऊपर ये मोनेस्ट्री बनी हुई है, तो इसको काट के तराश के जो है यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है। हम लोगों के उधर जो पहाड़ रहते हैं उससे मतलब बिल्कुल अलग है, और मेरे ख्याल में इस एंगल से नहीं समझ आएगा। तो बढ़िया से एक ड्रोन व्यू लेते हैं और इस मोनेस्ट्री को देखते हैं, साथ में टॉप से गांव को देखते हैं। किसी भी जगह की ज्योग्राफी, उसके भूगोल को समझना है तो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ, फिर अपनी आंखों से देखा हुआ उस जगह का नक्शा आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये नज़ारा है मुलबेक मोनेस्ट्री के सेरदुंगोम्पा से, जहाँ आपको लेह श्रीनगर NH1 हाईवे से लगा हुआ ये खूबसूरत सा गाँव मुलबेक बस एक ही झलक में पूरा दिख जाएगा। इस चट्टान पर दो गोम्पाज हैं, एक है सेरदुंग गोम्पा और दूसरा है गालदेंस गोम्पा। ये दोनों गोम्पा बौद्ध धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय को समर्पित हैं। इन्हें न्यू बुद्धिस्ट स्कूल और ओल्ड बुद्धिस्ट स्कूल भी कहा जाता है। ये दरअसल में मुलबेक मोनेस्ट्री का ही हिस्सा है। मुलबेक मोनेस्ट्री बिल्कुल NH1 हाईवे पे, मेन रोड पे ही लगी हुई है, जिस पर एक बहुत बड़े बुद्धा का स्टैचू पत्थर पर नकाशी करके बनाया हुआ है, जिसे हम कल देखेंगे। अभी जिस साइड हम थे वो इसका पुराना वाला साइड था, मतलब काफ़ी पुरानी है तो वो थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन टूट रहा है और इस साइड ये नई बन रही है। और ये लोग जो हैं, जो बुद्धिस्ट या जो भी यहाँ पूजा के लिए आते हैं, वो मतलब अपनी, इन्होंने बोला कि बड़ी पूजा के दौरान गांव वाले जो हैं आते हैं, बिकॉज गाँव से भी काफ़ी ऊँचाई पर है ये। तो अभी हमने कुछ मॉन्क्स देखे, तो मेरे ख्याल में वो कुछ दिए वगैरह जला के यहाँ से गए हैं, और सबसे अच्छी बात है इसकी हाइट। आज घर जैसा खाएंगे। हाँ। नो होटल घर जैसा। फ्रेश टेस्ट करो, मेरा खाना खा के याद करेगा। क्या लगा? अरे भाई बहुत खा दिया अंकल ने, इतना बढ़िया खाना बनाया था। जवाब पूरी ट्रिप में घर का खाना नहीं मिला तो पेल दिया। गुड मॉर्निंग मुलबेक से। तो यहाँ पे जिस होम स्टे में हम रुके थे, इंसेल होम स्टे, ये रूम मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा प्यारा सा छोटा सा वुडन इंटीरियर है। अच्छा रूम है, और इसकी जो सबसे ख़ास बात है, यहाँ पे बढ़िया जो है ग्लास विंडो लगी हुई है, और इसी के बाहर से यहाँ से मस्त नज़ारा दिखाई देता है उसी मोनेस्ट्री का जहाँ हम कल शाम को चढ़े थे। यहाँ पे बढ़िया ग्रीन फील्ड है, ग्रीनरी लगी हुई है,
और इसके बाहर ही एक कॉमन एरिया है। तो ये जो है अपना पूरा कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के मस्त चाय पी सकते हो, धूप सेक सकते हो। और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और इनफैक्ट यहाँ भी पूरा ग्रीनरी है, अभी इन्होंने धान वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये जो पूरा गांव है, मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर के रास्ते पर राइट में भी और लेफ्ट में भी पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ जहाँ हम रुके हैं, इंसल होमस्टे या जो सोनमर्ग में हम रुके थे, या आगे भी जहाँ लेह पे रुकेंगे, इन सभी होमस्टे वगैरह का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फ़ोन नंबर और प्राइजेज वगैरह मैंशन कर दूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लेह के लिए आगे बढ़ते हैं। होमस्टे में रुकने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा कह लो या कंफर्ट कह लो, वो ये है कि यहाँ पे आपको जो है घर का खाना मिलता है। फ़िलहाल तो अभी ब्रेड टोस्ट है लेकिन कल जो है हमने प्रॉपर गोभी की सब्ज़ी वगैरह, अंडा कढ़ी वगैरह इस तरीके से खाया। तो पूरे रास्ते में जहाँ से भी हम कोटद्वार से निकले हैं उत्तराखंड से, वहाँ से लेके यहाँ तक में अब जाके लगा है कि हाँ कुछ खाया है। तो ऐसी जगह में रह के आप जो है अपने स्टे मतलब अच्छा खासा बढ़ा भी सकते हो, बिकॉज़ वो घर वाला कंफर्ट आपको मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे शायद हमको कुछ इसी तरीके के होमस्टेज देखने को मिलेंगे। बड़ा स्टैचू है मतलब बुद्धा का, और पत्थर पे ही कार्व किया हुआ है। ये 9 मीटर ऊंचा स्टैचू है मैत्रेय बुद्धा का, जिन्हें फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। माना जाता है कि हजारों बुद्ध जो इस दुनिया में उतरेंगे, ये उस कतार में 5वें बुद्ध होंगे। कल जो 2 गोम्पाज हमने देखे थे, वो दरअसल में इसी मुलबेक मोनेस्ट्री का ही हिस्सा है। आपने बुद्धा के बहुत से स्टैचू देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैत्रेय बुद्धा के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ धरती की ओर है, एक में कमंडल, एक में फूल और एक में रुद्राक्ष है। कमर पर करधनी बंधी है, जनेऊ पहने हुए हैं, साथ ही हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला है। ये मूर्ति भले ही मैत्रेय बुद्धा की है, लेकिन ये हिंदू और बौद्ध धर्म के तत्वों का मिश्रण है। इससे ये भी प्रकट होता है कि एक समय ऐसा भी था जब सांस्कृतिक और धार्मिक संगम आम था। मुलबेक में 2 बढ़िया शानदार मोनेस्ट्री देखने के बाद अब हम वहाँ से जो है आगे लेह के लिए बढ़ रहे हैं, और अब एक्चुअल में जो बिल्कुल वो जो ड्राई वाला लैंडस्केप होता है उसकी तरफ हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ से बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, लमायरू मोनेस्ट्री है, मून लैंड है, मैग्नेटिक हिल वगैरह, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो ये सब देखते हुए जो है आज लेह पहुँचेंगे। तो अभी हम हैं फोतुला टॉप पे, और लेह श्रीनगर जो ये हाईवे है इस पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, 13,779 फीट की ऊंचाई पर। यानी कि अगर यहाँ पे आपकी बॉडी आपके फेफड़े सांस ले पा रहे हैं तो चांसेस हैं कि लेह हम सरवाइव कर जाएंगे। यहाँ से आगे लामायुरू करके एक मोनेस्ट्री है, विलेज है, तो वो बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है, उसको देखेंगे। फोतुला पास से लगभग 15 किलोमीटर आगे चलकर आपकी नज़र पड़ती है लामायुरू मोनेस्ट्री पर, एक ऊंचे पहाड़ पर बसी हुई मोनेस्ट्री जो खुद चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरी हुई है। लमायरू मठ लद्दाख के सबसे बड़े, सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है। ये मठ अपने रोचक इतिहास के साथ साथ अपने विशेष त्यौहार युरु खपग्यात के लिए भी देश भर में जाना जाता है। और सबसे कमाल की बात है इसके पास ही बसे पहाड़ और उसकी भूमिका, जो मानो चंद्रमा की भूमि के समान दिखती है और मूनलैंड नाम से भी प्रसिद्ध है। सांसें फूल रही हैं? नहीं नहीं, सांसें नहीं फूल, सांसें फूल रही हैं। सच सच बता दे, कैसा हो रहा है? उल्टी जैसा? ना ना, चक्कर? अरे मैं तो घाट घाट का पिया। घाट घाट का क्या पिया है? पूरा भी नहीं बोल रहा भाई। तो ये जो है लमायरू जो ये मोनेस्ट्री है,
इसके फ्रंट वाली साइड में हैं हम, और इसके बैक में जो ये प्यारा सा लैंडस्केप दिख रहा है इसको जो है मूनलैंड कहा जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत दूर से दिख रहा है, लेकिन जब इसको क्रॉस करेंगे बाय रोड तो इसी से होते हुए जाएंगे तो इसको जो है और तसल्ली से देखेंगे। फिलहाल जो है कुछ देर मॉनेस्ट्री में बिताते हैं। लामायुरु मॉनेस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे जिन्हें देख के लगता ही नहीं कि वो इस धरती का हिस्सा है। माना जाता है कि इस जगह में आज से 35 से 40 हजार साल पहले एक बहुत विशाल झील हुआ करती थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे झील सूखती गई तो उसके नीचे की जो धरती थी उसकी मिट्टी ने इतने सालों में ऐसा आकार लिया कि आज वो चांद की धरती के समान नजर आती है, जिस वजह से इस जगह को मूनलैंड कहा जाता है। और अगर इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में महर्षि नारोपा ने एक भविष्यवाणी की कि इसी जगह पर भविष्य में एक मठ की स्थापना होगी, और वही भविष्यवाणी इस झील के सूखने का कारण बनी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिट्टी और ये पहाड़ बाकी के पहाड़ से ज़्यादा चमकदार हैं। जिस तरह से चांद की धरती ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कुछ इसी तरीके से ये लैंडस्केप भी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और कहा जाता है कि फुल मून डे पर, पूर्णिमा के दिन, ये और अधिक चमकते हैं। यहाँ आसपास में रहने के लिए आपको गाँव और होम स्टेज भी मिल जाएंगे, तो अपने अगले लद्दाख के ट्रिप में आप इस जगह को तसल्ली से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है ना, सालों के इरोजन के बाद ऐसा हुआ है, और अगर मैं मिट्टी पकड़ूँ ना तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे वो, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं लग रही है बट मुल्तानी मिट्टी की तरह लग रही है। मे बी जैसे घर बनाने में जो हम लोग लिपाई पुताई में लाल मिट्टी यूज़ करते हैं, शायद वैसा कुछ उसी की तरह लग रही है। तो फिलहाल यहाँ से मूनलैंड को अलविदा कहते हैं, और अब यहाँ से मेरे ख्याल में आगे संगम वगैरह, मैग्नेटिक हिल वगैरह हैं, तो मस्त करके जो है संगम देखते हैं। अभी इस वक्त हम जो है संगम व्यू पॉइंट पे हैं, जहाँ से जांस्कार और इंदस रिवर का संगम दिख रहा है। फिलहाल जो लोग चाहते हैं वो यहाँ राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज़ यहीं से दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ से राफ्टिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी अगर आप इसी रोड से आगे जाओगे चिलिंग के लिए तो मेरे ख्याल में कुछ 6 किलोमीटर पर बंजी जंपिंग का स्पॉट भी है। हम खैर देख के आनंद लेते हैं, हालांकि मैंने सोचा था शायद संगम पॉइंट हमसे, हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, ऑल्दो उतना फ्लो नहीं रहता यहाँ पे, बट स्टिल अच्छा है। इस वक्त जो है हम मैग्नेटिक हिल में पहुँच चुके हैं। हालांकि बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई बॉक्स था जहाँ पे रख के आप गाड़ी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी, ऑल्दो जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभी पार्क की, न्यूट्रल पे लगाई, तो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से नीचे पीछे की तरफ जा रही थी, लेकिन जब अगर रोड की ढलान देखे तो लग ही रहा है कि ढाल उसी साइड है, बट स्टिल ढाल से भी ज़्यादा फोर्स है, मतलब ये पीछे की ओर जा रही है। एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। अब मैं एक मिनट आपको रिवर्स करके यहाँ पे लगाता हूँ। देखो अभी मैं जो है गाड़ी को ये मैंने न्यूट्रल में डाल रखा है, और मैं हैंड ब्रेक हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हैंड ब्रेक हटाया, और अब देखो गाड़ी अपने आप जो है पीछे की तरफ जा रही है, बिल्कुल न्यूट्रल पे हूँ, पाँव भी मेरे बाहर है, ये रहे, और ये पीछे की तरफ जा रही है, मैं सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब तेजी से पीछे की तरफ जा रही है, ऑल्दो उतनी ढाल नहीं है, बट फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ऊंचाई की तरफ आ जाएगी, यानी कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि गाड़ी शायद चढ़ाई की तरफ ऊपर चढ़ेगी, ऐसा नहीं हुआ है। शायद पता नहीं इन्होंने रोड लेवल किया या क्या है, बट अब वो मज़ा नहीं रहा। आखिरकार अपनी मंजिल लेह आने ही वाली है, और जैसा हम घर बैठे सोचा करते थे कि लेह में ड्राइव करना कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये रोड बिल्कुल मक्खन है। 4x4 तो बस एक बोलने वाली बात है, यहाँ आप स्कूटर लेके भी आ सकते हो, और इस रोड का पूरा श्रेय जाता है BRO को। और जैसा मैंने आपको सोनमर्ग में भी बताया था कि श्रीनगर वाली साइड से लेह आने के दो फायदे हैं, एक तो रोड, और दूसरा इस साइड से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है,
तो आपको माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। चलिए अब अगले एपिसोड में आपको लेह घुमाएंगे।